मार्केट का डोमिनेंट प्लेयर हमेशा इसी कोशिश में रहता है कि कैसे वो अपने प्रोडक्ट की सप्लाई और प्राइस को कंट्रोल कर सके। आप ओपेक वालों को ही देख लो, जब भी ह्यूमन राइट जैसे मुद्दों पर इंटरनेशनल प्रेशर को काउंटर करना हो या अपना प्रॉफिट बढ़ाना हो, इनको कुछ भी करना होता है, ये तुरंत क्रूड ऑयल की सप्लाई को ऊपर नीचे करने लगते हैं। इसी तरह से आप देखो तो चाइना सेमीकंडक्टर एंड चिप की मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्रिटिकल, जर्मेनियम का 60% एंड गैलियम का 80% सप्लाई करता है। इसी कारण चाइना इन दोनों एलिमेंट्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर है। इंडिया और यूरोप ने गैलियम एंड जर्मेनियम को क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट में एंड यूएसए एंड जापान ने स्ट्रेटेजिक रिसोर्स की लिस्ट में शामिल कर रखा है। अब ये सब इन्फॉर्मेशन तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि आखिर मुद्दा क्या है। देखो, अमेरिका की बहुत सारी दिग्गज कंपनियां जैसे एनवीडिया एआई चिप बनाती है जो कि चाइना में एक्सपोर्ट होती हैं। यूएसए ने इन एक्सपोर्ट्स पर यह बोलते हुए रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि यूएस मेड एआई चिप का यूज चाइना वेपन डेवलपमेंट एंड हैकिंग के लिए कर सकती है। देखिए, दुनिया के लिए ये एक चिंता तो है, लेकिन यूएस को ये भी लगता है कि कहीं चाइनीज कंपनियां यूएस का चिप यूज करके अमेरिकन कंपनियों का ही बिजनेस ना खा जाएं। देखो, अभी तक क्या हुआ, चाइना को एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने के लिए चाहिए अमेरिकन चिप, अमेरिकन कंपनियों को चिप बनाने के लिए चाहिए चाइनीज गैलियम एंड जर्मेनियम। अमेरिका ने चिप की सप्लाई पर रिस्ट्रिक्शन लगाया तो बदले में चाइना उसके रॉ मटेरियल यानी कि गैलियम एंड जर्मेनियम की सप्लाई पर 1 अगस्त 2023 से रिस्ट्रिक्शन लगाने वाला है। अब यहाँ पर कुछ सवाल हैं कि चाइना गैलियम और जर्मेनियम का इतना बड़ा सप्लायर कैसे है, और क्या दुनिया के दूसरे देशों के पास जर्मेनियम और गैलियम प्रोड्यूस करने का कोई ऑप्शन है भी या नहीं। देखिए, गैलियम और जर्मेनियम एक्सट्रीमली रेयर मेटल है जो कि एल्युमिनियम एंड जिंक की प्रोसेसिंग के दौरान एज ए बाई प्रोडक्ट मिलता है। चाइना एल्युमिनियम एंड रिफाइंड जिंक का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है एंड हेंस गैलियम एंड जर्मेनियम का भी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस सेक्टर में सिर्फ चाइना ही एकमात्र प्लेयर है। कभी कभी आप देखोगे तो चाइना भी अपने डोमेस्टिक सप्लाई को सपोर्ट करने के लिए कजाकिस्तान, रशिया और कनाडा से गैलियम एंड जर्मेनियम इंपोर्ट करके प्यूरिफाई करता है। लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पर इंडिया के पास भी एक बहुत ही अच्छा चांस है। इंडिया 2021 में 1.46 मिलियन मेट्रिक टन के साथ वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट जिंक प्रोड्यूसर एंड 3.3 मिलियन मेट्रिक टन के साथ एल्युमिनियम का वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था। डेलॉयट इंडिया के अनुसार अगर हम अपने जिंक एंड एल्युमिनियम के वेस्ट प्रोडक्ट पर फोकस करें तो इंडिया भी गैलियम एंड जर्मेनियम के मार्केट में एक सिग्निफिकेंट प्लेयर बन सकता है। देखो, चाइना और यूएस के बीच में जो भी रिस्ट्रिक्शन का खेल चल रहा है उससे शॉर्ट टर्म में गैलियम और जर्मेनियम की सप्लाई पर फर्क पड़ेगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगी। और सेमीकंडक्टर का यूज करने वाली चीजें यानी कि आज की तारीख में इलेक्ट्रिसिटी का यूज करने वाली हर चीज की प्राइस, प्रॉफिट मार्जिन एंड प्रोडक्शन पर भी असर पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में अगर आप देखोगे तो रिस्ट्रिक्शन की वजह से गैलियम और जर्मेनियम की सप्लाई में प्रॉब्लम होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंट्रीज अपने जिंक एंड एल्युमिनियम के बाई प्रोडक्ट से गैलियम एंड जर्मेनियम एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, जिसे एक अल्टरनेटिव या पैरेलल सप्लाई चेन क्रिएट होगी जो कि मार्केट में चाइना की डोमिनेंस के लिए एक सीरियस थ्रेट होगा। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।